हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका भी अगर REC टिकट है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका सीट नंबर कौन सा है, कोच नंबर कौन सा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप ट्रेन जर्नी करते हो तो उससे पहले आपको ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ता है, और ट्रेन का टिकट अगर आप बुक करते हो और उस टाइम पर आपको REC मिल जाता है तो काफी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि REC कंफर्म होगा या नहीं होगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि मेरा कंफर्म हो भी जाएगा, कोच नंबर कैसे पता चलेगा, बोगी नंबर कैसे पता चलेगा, सीट नंबर कैसे पता चलेगा, उनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपने कोई भी REC में ट्रेन का टिकट बुक किया है, जैसे ही आपने ट्रेन का टिकट बुक किया उस टाइम आपको ये तो पता चल गया कि आपको हाफ सीट जरूर मिलेगा। मतलब अगर आपका ट्रेन टिकट REC में भी रह जाता है तो आपको हाफ सीट मिलेगा, आप आराम से बैठकर यात्रा कर सकते हैं, और आगे जाकर अगर कंफर्म हो जाता है तो आप फुल बर्थ में भी एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसमें कोच नंबर और सीट नंबर कैसे पता चलेगा। अगर आपने REC का ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है तो कोच नंबर और सीट नंबर आपको ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले जब फाइनल चार्ट क्लियर होता है तभी आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चल सकता। आप 2 तरीके से जान सकते हैं। पहला तरीका तो है, आप जैसे ट्रेन जर्नी कर रहे हैं तो स्टेशन पर जाते हो तो वहां पर रिजर्वेशन काउंटर है, वहां पर आप पूछ सकते हैं कि मेरा PNR स्टेटस बताइए, तो वो आपको बता देंगे। और अगर आप रिजर्वेशन काउंटर पर लंबी लाइन होती है वहां पर आप पूछ नहीं सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल में रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं या ट्रेन मैन एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहां पर आप अपना PNR डाल सकते हैं और वो नीचे रिजल्ट शो कर देगा। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कोच नंबर है और कौन सी सीट नंबर है। वहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपका REC कंफर्म नहीं होता है तो जैसे आपका कोच नंबर आया S10 और उसमें आगे कोई भी सीट आई तो S10 के पहले दोस्तों R लिखा हुआ आएगा, और अगर R नहीं लिखा हुआ आया तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फुल बर्थ कंफर्म हो गया है। पर आपको ट्रेन का टिकट जो कोच नंबर और बोगी नंबर है, जो सीट नंबर है, वो ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले ही पता चलेगा। काफ़ी लोगों का क्या होता है कि दोस्तों ट्रेन चलने के मतलब 1-1 महीने पहले ही उनका REC कंफर्म हो जाता है, तो वो लोग ज़्यादातर यही दोस्तों सर्च करते हैं कि मेरा ट्रेन का टिकट तो कंफर्म हो गया पर कोच नंबर और सीट नंबर मुझे कैसे मिलेगा। तो उनको भी कोच नंबर और सीट नंबर तो दोस्तों जब ट्रेन चलेगी उसका फाइनल चार्ट क्लियर होगा तभी पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपका ट्रेन टिकट REC में रह जाता है तो आपको साइड लोअर बर्थ ही मिलेगा, ये दोस्तों गारंटेड है, रेलवे का ये नियम है। अगर REC रह जाता है तो आपको साइड लोअर बर्थ दिया जाएगा क्योंकि उसमें 2 व्यक्ति आराम से बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा आज का वीडियो था, मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।